स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपका इंग्लिश लिटरेचर मैरीगोल्ड चैप्टर वन, नियाज़ अलार्म क्लॉक, डिफ़िकल्ट वर्ड। फर्स्ट है आपका मॉर्निंग, सेकंड कवरिंग, थ्री ब्लैंकेट, फोर मटर्स, फाइव चिरपी, सिक्स स्नोर्स, सेवन एस्केप, एट स्लीपिंग, नाइन आफ्टरनून। नेक्स्ट है आपका वर्ड मीनिंग। वन कवरिंग, समथिंग दैट कवर द सरफेस ऑफ समथिंग, कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ का सतह है, ऊपर का सरफेस ढकती हो। सेकंड मटर, टू स्पीक इन अ लो क्वाइट वॉइस, कैसी आवाज़ में बोलना, बहुत कम आवाज़ में बोलना। थर्ड है आपका चिरपी, लाइवली हैप्पी एंड चेयरफुल, लाइवली मीन्स जीवित, हैप्पी खुश एंड चेयरफुल, चेयरफुल आपका उत्साह देने वाला बहुत। फोर स्नोर्स, टू ब्रीथ नॉइजली थ्रू योर नोज़ और माउथ वाइल यू आर स्लीप, कैसे सांस लेना बहुत आवाज़ करके अपनी नोज से और अपने माउथ से जब आप सो रहे हो, इसे खर्राटे मारना भी बोलते हैं। फाइव एस्केप, टू गेट फ्री, कैसे आज़ाद हो जाना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ए राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, आएगा राम वॉज। बी द काउ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सी माई टॉयज डैश ब्रोकन, माई टॉयज वर ब्रोकन। हर फ्रॉक डैश टू लॉन्ग, हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग। द मार्केट डैश क्लोज, द मार्केट वॉज क्लोज। द चिल्ड्रन डैश हैप्पी, द चिल्ड्रन वर हैप्पी। द फ्लावर डैश केप्ट इन अ वास वेस, सो द फ्लावर्स वर केप्ट इन अ वेस। हुम सैड दीज वर्ड्स एंड टू हुम, किसने ये वर्ड किससे कहा, ठीक है। तो वर्ड्स हैं यहाँ पर आपके वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, तो ये किसने कहा, हु सैड, किसने कहा ये बर्ड्स, टू हुम, नेहा से, तो बर्ड्स ने कहा ये नेहा से। माँ हु वोक मी अप टुडे, माँ मुझे आज किसने जगाया। हु सैड, किसने कहा था ये, नेहा ने, टू हुम, किससे, मदर से। वाई डू यू स्लीप नाइन एवरी नाइट, ये किसने किससे कहा था, हु सैड, मदर, एंड टू हुम, नेहा, मदर ने नेहा से कहा था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर, व्हाट टाइम डेड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग, जो नेहा की क्लॉक थी वो हर सुबह कितने बजे रिंग करती थी, तो आंसर आना आपका एट 6 o'clock नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग, तो रोज़ सुबह 6 बजे नेहा के अलार्म क्लॉक रिंग किया करती थी। क्वेश्चन टू, व्हाट डेड द बर्ड सेज, जो बर्ड्स है वो क्या कह रही हैं, द बर्ड से वेक अप, बर्ड्स कह रही हैं उठ जाओ। What is inside you that makes you get up at the same time every day? तो आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रोज़ सुबह उठा देती है, नहीं, जो आपको आपको बताती है कि आपको क्या क्या काम करना है और सुबह उठा देती है। तो देर इज़ अ क्लॉक इन आवर बॉडी दैट मेक्स अस गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे, तो हमारे अंदर एक क्लॉक है, अलार्म क्लॉक है, जो हमें बताती है, जो हमें उठाती है रोज़ एक ही समय पर। इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक अप इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप, विल यू कंटिन्यू टू स्लीप, ठीक है, अगर आपके पास क्लॉक नहीं है घर पे, तो आप कैसे उठोगे मॉर्निंग में, ठीक है, क्या आप सोते रहोगे। आंसर फोर आपका नो, आई विल वेक अप विद द साउंड ऑफ चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, बेल ऑफ टेम्पल, और ड्यू टू द लाइट और ब्राइट सन That will be spread in my room in the morning. तो यहाँ पर बोला है कि नहीं, मैं उठ जाऊँगा सुबह किसकी साउंड से, जो बर्ड्स चिरपिंग करती हैं, बर्ड्स सुबह चहचहाती हैं, उनकी साउंड से मैं उठ जाऊँगी, उठ सकते हैं हम, और जो टेम्पल में बेल बजती है, या फिर जो आपकी लाइट ब्राइट सनशाइन, जो सन की ब्राइट रेज होती हैं, किरणें होती हैं, वो अगर हमारे फेस पे लगेंगी जब भी हम उठ सकते हैं। What are the different ways of knowing the time during the day? ठीक है, तो दिन में टाइम को पता लगाने के और डिफरेंट तरीके आपको बताने हैं, तो यहाँ पे देयर आर मैनी डिफरेंट वेज टू नो द टाइम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि बहुत से तरीके हैं अलग अलग टाइम जानने के लिए, और वो क्या है आपके, नंबर वन लिसनिंग टू द रेडियो टेलीविज़न, ठीक है, रेडियो में रेडियो को सुनना, टेलीविज़न को सुनना, आस्किंग समवन हु नोज़, और उससे पूछना जिसको टाइम पता हो। नेक्स्ट है बाय जजिंग द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, और सूरज की किरणों को देखकर पता लगाना, पुराने ज़माने में ऐसे ही लगाते थे ना पता, आपको जो है सन की रेज को ही देख के
पहले ज़माने में टाइम का पता लगाया जाता था। तो स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।